सबसे पहले तो भाई 2021 जैसे चालू हुआ भाई प्रेम, मेरे को हो गया कोरोना सबसे सैड अच्छा हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी गाइस? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज है 31 दिसंबर और आज 2021 का लास्ट दिन है। सो आज हम लोग अपने सारे दोस्त डिसाइड किए हैं कि आज कुछ स्पेशल करते हैं। तो क्या स्पेशल करने वाले हैं वो तो मैं सारे दोस्तों के साथ मिलके ही बताऊंगा आपको। तो अभी मैं जा रहा हूं अपने दोस्तों से मिलने। तो अभी उनके अपने दोस्तों के साथ जाता हूं और आप देख रहे हैं जैसे कि आप आज शाम हो चुका है तो अभी शाम का टाइम है। तो चलते हैं फिर अपने दोस्तों से मिलने, उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या करने वाले हैं हम लोग। गाइस अभी हम लोग हॉट प्लेट के अंदर बैठे हुए हैं एंड हम लोग अभी स्पेशल बिरयानी ऑर्डर किया है। सुबह बन रहा है अभी, उसके मम्मी का वेट कर रहा है। मेरे पास चार्ज नहीं भाई, फोन कर रहा हूँ मम्मी, मम्मी का फोन है। बग्गा है उधर, फ्रेम बैठा हुआ है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं स्पेशल बिरयानी। आएगा तो आपको दिखाता हूँ कि बिरयानी कैसा है, कैसा दिख रहा है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। विकास को तो बहुत ज्यादा ठंडा लगा। हाँ भाई, जस्ट अभी आया ना बाइक से। गाइस हम लोग अभी आ हैं हॉट प्लेट में, सारे दोस्त लोग। आज साल का लास्ट डेट है तो हम लोग सोचे कि आज थोड़ा सा स्पेशल बिरयानी खाते हैं। एंड ये अपना स्पेशल बिरयानी है। विकास फर्स्ट टाइम खा रहा है यहाँ पे बिरयानी? हाँ भाई, यहाँ पे। ऐसा क्या, चलो ठीक है, मैं तो पहले खा चुका हूँ। आज बग्गा बिरयानी खाएंगे। तो हम लोग खाते हैं अभी बिरयानी, तो बड़ा टेस्टी बना हुआ है। तो गाइस यहाँ का बिरयानी ना बहुत अच्छा है गाइस, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं खाया हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। विकास भाई कैसा लग रहा है? मस्त भाई, इधर प्रेम भाई है भाई, मज़ा आएगा। अगर आप भी मेरे आसपास में होंगे तो यहाँ पे आज जरूर खाइए, बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए, जो नहीं खाता था बिरयानी वही आज खा रहा है बिरयानी, मतलब आप। तो गाइस हॉट प्लेट से हम लोग स्पेशल बिरयानी खा लिए एंड हम लोग सब चल रहे हैं। गाइस हम लोग रेस्टोरेंट से वापस आ गए स्पेशल बिरयानी खाने के बाद एंड मेरे बाड़ी में अभी हम लोग लगाए हैं आग और वहां पे आग ताप रहे हैं और हम लोग पिछले साल में क्या क्या किए हैं वो सब बात करके थोड़ा सा मज़ा ले रहे हैं। तो मैं आप लोग को मिलवाता हूँ प्रेम और विकास से यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेम और विकास आग तापते हुए
एंड थोड़ा सा पूछता हूँ प्रेम से कि पिछला साल कैसा गया। तो प्रेम भाई एक छोटा सा सवाल है यार तेरे से, 2021 कैसा गया तेरे, तेरा 2021 कैसा गया? 2021 हाँ, पढ़ाई कंप्लीट कर ली है 2021 में, अच्छा परसेंटेज भी था हाँ, और बाकी घूमे फिरे भी बहुत जगह हाँ, साथ में घूमे हैं 50-50 समझ लो, कुछ अच्छा कुछ बुरा ठीक ही था हाँ। देखते हैं अब 2022 कैसा होता है, कल पता चलेगा, स्टार्टिंग है कल से। सही है। और भी कुछ क्या बोले अब, एंड विकास से भी थोड़ा सा पूछते हैं। विकास भाई तू बता ये साल कैसा रहा तेरे लिए 2021? भाई 2019-20 कोरोना काल जिसे मतलब पार किए हाँ, लगा कि 2021 में कुछ करेंगे भाई हाँ, जॉब वॉब सही बात है यही कर रहे हैं, 2021 बीत गया पूरा हाँ, ठीक है। और यहाँ बैठ करके आग ताप रहे हैं, समझ ही सकता हूँ क्या हुआ है। लेकिन इस साल हम लोग पता है घूमे भी बहुत ज्यादा है ना, साथ में ब्लॉग तो देखे ही होंगे आप लोग कि हम लोग बहुत जगह घूमे हैं, मजा मौज मस्ती बहुत ज्यादा किए हैं, है कि नहीं? देखते हैं 2022 में कहाँ। आई होप कि 2022 हम लोग तीनों के लिए बहुत बेस्ट जाए। एंड यहाँ पे आग ताप रहे हैं और थोड़ा सा इस साल हम लोग क्या क्या किए हैं, कितना घूमे हैं, कितना मौज मस्ती किए हैं, थोड़ा सा पुरानी यादों को मजा ले रहे हैं। सही बात है कि नहीं? याद ताजा करना चाहिए साल में अपना। सही, आज आखिरी दिन है 2021 का, पूरा एक साल दे दिए भाई घूमते फिरते ना। तो तू तो हम लोग जान दिया कि हम लोग 2021 में कहाँ कहाँ क्या क्या किए भाई। सही बात है, तू बता तू कहाँ कहाँ खड़ा है। तो बताता हूँ अभी मैं। हाँ अब आया बेटा तेरा पारी, चल। तो भाई सबसे पहले तो भाई 2021 जैसे चालू हुआ भाई प्रेम, मेरे को हो गया कोरोना सबसे सैड न्यूज़। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बात है, कोरोना इस बार विकास को हाँ, राहुल को दोनों को हुआ कोरोना, इसमें मैं और बग्गा बच गए थे। देखते हैं अभी ओमिक्रोन आ रहा है। नहीं नहीं, फर्स्ट लहर था उसमें तो बच गए, सेकंड लहर दोनों को हो गया। फर्स्ट लहर था उसमें तो बच गए, सेकंड लहर आया भाई है ना, मेरे को पकड़ लिया भाई। वो 15 दिन मेरा जिंदगी का सबसे कठिन दिन था भाई, मतलब 2021 में याद करने लायक, याद करने वाला दिन था वो 15 दिन भाई। वो दिन ऐसा ऐसा बीता है ना, उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था, अगर ब्लॉगिंग करता होता ना तो आप लोगों को जरूर पता रहता। उसके बाद कोरोना गया, उसके बाद बरसात आ गया ठीक है ना, उसके बाद फिर ठंडी आ गया, उसके बाद खूब घूमे प्रेम भाई, बहुत घुमाया विकास भाई, बहुत घुमाया प्रेम है कि नहीं? अपन तीनों कुल मिला खूब घूमे, कुल मिला के जो यही किए हैं, कुल मिला के जो ये साल था, शुरू में बहुत बेकार था, एंड बीच में आते आते थोड़ा सा अच्छा हुआ, उसके बाद अभी देख रहे हैं यहाँ पे आग ताप रहे हैं, उतना भी अच्छा नहीं आई। मेरे को लगता है कि 2022 अच्छा जाएगा, अब तो कल के बाद ही पता चलेगा सच में यार, है कि नहीं? क्या कर सकते हैं, आशा ही कर सकते हैं, आशा ही है। अब सुनने में आ रहा है ओमिक्रोन भी आ रहा है वापस। सही है, और देखते हैं लग रहा है विकास तो बोल रहा है कि बस है। नहीं भाई मत आए, मत आए वही मत आए भाई, बिल्कुल मत। इतना साल बर्बाद हो गया, अब बस अब नहीं झेल सकते, अब नहीं झेल सकते यार, अब ना हो पाए। 2022 अगर वेस्ट गया ना हाँ, कुछ हम लोग का समझ रहा है ना, हम लोग का जो एज है ना हाँ, एज निकल जाएगा हम लोग का, निकल जाएगा। सही बात, घूमने फिरने उची और मतलब कुछ भी करने के लिए हाँ, सही बात, हम लोग ये नहीं रहता है टाइम, अभी जो हम लोग पीछे हैं वो लोग भी हम लोग साथ हो जाएंगे हाँ, सही बात है। तो गाइस कुछ इस तरीके से हम लोग आज 31 दिसंबर को काट रहे हैं नाइट को, एंड आग तो जला ही तो हुआ है। बात ऐसा है कि सब लोग सोच रहे हो कि सब डीजे बजा रहे हैं, केक काट रहे हैं हाँ, तो यार हम लोग लाइफ में कुछ स्पेशल हुआ ही नहीं। सही साल 2021 में खुशी का दिन मनाने वाला काम करे हम लोग, खुशी रहता तब ना, डीजे बजाते केक काटते मासे, क्यों भाई विकास काटे रखे, जिंदगी जला है इसलिए जला रहे हैं। सही बात है। तो ओके गाइस, हम लोग आग तापते हैं यहाँ पे।
तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने साल के आखिरी दिन को यादगार बनाते हुए गाइस 2021 को अलविदा कह दिया एंड बेसब्री से 12 बजने का इंतज़ार कर रहा हूँ। आप भी 12 बजने का इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि आपको आपको भी जल्द से जल्द सबको न्यू ईयर विश करना है। एंड इसी वीडियो के माध्यम से गाइस मैं भी आपको न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। आई होप कि 2022 आप लोगों के जीवन में एक नया सवेरा, नई रोशनी एंड नई खुशियाँ लेकर के आए। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा गाइस। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। एंड आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और ब्लॉग पे।